मम्मी आज क्या बना रही हो? बेटा आज मैं बना रही हूँ आलू की भुजिया। आलू की भुजिया घर पे बन जाएंगे? हाँ बहुत ही बढ़िया बनेगी। वो मैं गई थी ना सब्जी लेने, वहाँ पे मुझे सब्जी वाला भैया ने बताया, तो मैं बना के देखती हूँ। ठीक है, तो फिर आज तो बड़े मजे आएंगे खाने में। ठीक है चलो जल्दी जल्दी बनाओ, मुझे अभी से मेरे मुँह में पानी आ रहा है सुन के। तो ओके अभी शुरू करती हूँ आलू की भुजिया बनाने के लिए। सबसे पहले हमें जो बड़े बड़े आलू लेना होगा, यहाँ पर हमने 1 किलो बड़े साइज के आलू ले लिया है। पहले हम आलू को छील लेते हैं। हम जिस बोतल में आलू छील के रखेंगे उसमें हम पहले पानी डाल देंगे, इसमें काला नहीं पड़ेगी आलू। आलू में से हमने छिलका निकाल दिया है, अब हम पानी में से आलू निकालेंगे। अब हम उसी बर्तन में दोबारा पानी ले लेंगे। अब हम एक ग्रेटर ले लिया है, अब पानी में रखेंगे इसको और आलू को ग्रेट करेंगे। देख पा रहे होंगे आलू को मैंने ऐसे ऐसे ग्रेट नहीं कर रही, एक बार उठाया फिर ले गया, ऐसा नहीं है। ऐसे ऊपर से ही नीचे ले जाना है, ऐसे ले जाना, फिर ऐसे ऐसे। देखिए कैसे आलू की लच्छा बन गई, बिल्कुल पतली पतली सी। ऐसे हमें सभी आलू को ग्रेट कर लेना है। आलू हमने ग्रेट कर लिया है, अब हम इसको पानी में से निकालेंगे, ऐसे हल्का हाथों से निचोड़ के। ज़्यादा दबाना नहीं है, नहीं तो ये आलू टूट जाएगी। आप 500 ग्राम आलू की भी बना सकती हो, 250 ग्राम आलू से भी बना सकती हो। आलू की जो लच्छा है हमने एक बार वॉश कर लिया है, इसे हमें 10 से 12 बार वॉश करना है जब तक इसका स्टार्च ना निकले, तब तक हमें इसको वॉश करना है। छः से सात बार हमने पानी से वॉश कर लिया है आलू को। फ्रिज की ठंडा पानी डाल देंगे, आलू की ऊपर तक हमने पानी डाल दिया है। अब हम इसमें आधे नींबू की रस निचोड़ देंगे, एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। हम इसको ढक्कन से कवर करके 20 मिनट ऐसे रखेंगे। 20 मिनट हो गया है, आलू को हमने ठंडा पानी में भिगो के रखे हुए। अब हम एक जाली वाला थाली ले लिया है, इसमें हम निकालेंगे आलू। हमने अभी पूरे आलू पानी में से नहीं निकाला है, इतना निकाल लिया है। इसको हम पहले फ्राई करेंगे, उसके बाद बाकी आलू हम निकालेंगे। पहले हम यहाँ पे कपड़े ले लिया है, कपड़े के ऊपर हम आलू ऐसे बिछाएंगे, ऊपर से हम दूसरे कपड़ा रखेंगे और इसको ऐसा हल्का हाथों से पानी सुखाएंगे। कढ़ाई पे तेल गर्म होने के लिए रखा था, तेल अच्छे से गर्म हो गया है, फ्लेम हमने हाई पे रखा है। अब हम थोड़ा थोड़ा आलू डालेंगे, ऐसे ही हमें चलाते रहना है। अब ये फ्राई हो गया है, इसको हम निकालेंगे। हम प्लेट में निकालेंगे, देखिए आवाज आ रही है इसमें से। आज की आलू भुजी की रेसिपी हम बालकनी में बैठ के बना रहे थे शाम को टाइम, फिर अंधेरा हो गया तो हम किचन में आ गए हैं, लेट हो गए थे हम, वहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा था, फिर हम किचन में आ गए।
आपको हाई फ्लेम में आलू भुजी फ्राई करना है, लगातार चलाना है। लगातार चलाने से बराबर फ्राई होगा। अभी हम फ्लेम को कम कर देंगे क्योंकि अभी हम इसको निकालने वाले हैं। पहले हम ऐसे उठा के देखेंगे इसको। अब ये हो गया है, मुझे पतला वाला पसंद है इसलिए मैंने थोड़ा पतला ही आलू भुजी बनाया। आप चाहे तो ग्रेटर में जो मोटा साइड है उस साइड से भी आलू को ग्रेट कर सकते हो। हम बालकनी में से काली पत्ता तोड़ के लाते हैं। यहाँ पे हमारा छोटा सा एक करी पत्ते की पौधे है। अभी पत्ते सूख गए थे, थोड़ा सा निकले हैं। इसमें ही हो जाएगी। यहाँ पे हमने मूंगफली की दाना ले लिया है और ये कढ़ाई में हम तेल थोड़ा कम कर लिया है। अब हम इसको भूनेंगे। फ्लेम को हम लो पे रखा है। अभी ये मूंगफली की दाना फ्राई हो गया है। अब हम करी पत्ते इसमें डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और हम इसको निकालेंगे। सब ठंडा होने के बाद हम मिक्स करके फिर दिखाते हैं। इतना करारा हुआ है, हम आपको हाथ से तोड़ के दिखाते हैं। देखिए, अब हम एक बोल में इसको ट्रांसफर करेंगे। इसमें हम मूंगफली की दाने डाल देंगे जो हमने भूज के रखा है। करी पत्ता डाल देंगे हम और इसमें कुछ मसाला भी डालेंगे हम। नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। दो काटा चम्मच लिया है, इसी से हम मिक्स करेंगे। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा नया वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। देखिए कितना बढ़िया बने करारा।